तो नमस्कार फ्रेंड, मैं आपका नील रमन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लोग कैसे अपने बगीचे का साफ सफाई प्लस उसका संवर्धन कर रहे हैं ताकि आने वाले फसल में उसको अच्छा से अच्छा मुनाफा हो। इसके लिए वो बगीचे का कैसे रख रखाव साफ सफाई अभी से ही नियमित रूप से करना शुरू कर दिए हैं। तो आप भी इनको देख कर इस तरीके से करके अपने बगीचे को अच्छा, अपने बगीचे से अच्छा प्रोडक्शन आप ले सकते हैं, बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम जो बगीचे में खड़े हैं, ये एक व्यापार का, एक किसान का बगीचा है और इसमें मैंने कुछ नया देखा जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ और आप इसके मुताबिक भी आप अपने बगीचे में कार्य कर सकते हैं। जैसे देखिए, इन्होंने क्या किया है, इस पेड़ के तने में, नीचे जड़ में इतना का लगभग दो फीट में इन्होंने इसमें फोलिडॉल फाउडर का यूज किया है। जी हाँ दोस्तों, ये फोलिडॉल फाउडर है जो कि इसमें इन्होंने पानी में घोल के एक ब्रश के सहारे से इसको लगाया है ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी कीड़ा जमीन से ऊपर पेड़ पर नहीं जाएगा। और दूसरा चीज़ इसमें आता है दोस्तों कि अगर आप दूसरा ऑप्शन इसमें आता है चूना, चूना के साथ अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको उसमें क्लोरोपाइरीफॉस उसमें आपको डालना है। लगभग क्लोरोपाइरीफॉस उसमें अगर आप डालते हैं तो चूने में आपको लगभग 2 ml या 3 ml पर लीटर के हिसाब से आपको देना है। इसमें ज़्यादा कम का ज़्यादा इशू नहीं होता है। और अगर आप ऐसे आप यूज करना चाहते हैं तो आप फोलिडॉल का आप यूज कर सकते हैं। फोलिडॉल पाउडर आता है जो कहीं भी किसी भी दुकान में आपको फोलिडॉल पाउडर आपको मिल जाएगा। ये सबसे सटीक उपाय। और इन्होंने अपने बगीचे में क्या किया है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये अपने बगीचे की जुताई भी कर रखे हैं, इतना बड़ा बड़ा पेड़ है और नीचे इनको स्पेस भी बच जा रहा है, बहुत सारा स्पेस है। स्पेस के साथ साथ ये छोटे जो पावर ट्रैक्टर होता है उसके सहारे से इन्होंने अपने बगीचे का पूरा जुताई कर रखा है। देखिए जब बगीचा आप दिखाइए, जैसे देखिए इसमें पूरा जुताई कर रखा है, घास खर पतवार सब कुछ इसमें ही इन्होंने जोत के रखा है। जो खाली खाली जगह जहाँ जहाँ बचा है इन्होंने सब जगह जुताई किया हुआ है ताकि इससे बहुत सारा फायदा है, जो कि कीड़े मकोड़े हैं वो भी बाहर निकल के वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा चीज़ क्या होता है कि अगर आम के सीज़न में आम भी ऊपर से अगर गिरता है तो बहुत सारा होता है। हम लोग के यहाँ ऐसा व्यवस्था होता है कि आम को पका के लोकल मार्केट में बेचते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर अभी आप ऐसे हल्का मिट्टी कर देते हैं ऊपर से तो इसमें क्या होगा कि बहुत आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा कि आम फटेंगे नहीं। तीसरा चीज़ क्या होता है कि पानी जो उसमें अगर बारिश का पानी आता है तो बारिश का पानी इसको पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाएगा, जड़ तक इनका पहुंच जाएगा इस पानी से। अगर यहाँ अगर जुताई नहीं हुआ रहता तो क्या होता कि पानी डायरेक्ट बाहर निकल जाता किसी नाले के सहारे से, लेकिन अगर जुताई किया हुआ है तो पानी बहुत ज़्यादा ही अवशोषित करेगा और फिर हमारे बगीचे को, पेड़ को बहुत अच्छा फ़ायदा देगा दोस्तों। तो ये रही बात अपने बगीचों की साफ़ सफाई संवर्धन कैसे कर सकते हैं, और क्योंकि ये बड़े बड़े पेड़ हैं तो यहाँ पानी देना तो उतना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं और इसी तरह से आप अपने भी बगीचे की साफ़ सफाई करें, अभी बहुत ज़रूरी है ये सब करना। और इसी तरह आप या तो चूना का या फिर आप फोलिडॉल पाउडर का पेस्ट घोल बना के उसको किसी ब्रश के सहारे सारे पेड़ के तने में आप डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।